रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। वी आर डूइंग आंसर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 1। 4 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो नॉन मुस्लिम्स थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने जो मुकदमात थे फैसले के लिए क्यों लाते थे। तो इसका आंसर है, हम देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, द जस्टिस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, द जस्टिस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड द नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू हिम। द रसूल की जगह पे हिम लिखेंगे, सूट्स टू हिम, एंड ही डिसाइडेड देयर केसेस इन अकॉर्डेंस विद ज्यूइश लॉ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका आंसर देखें, क्वेश्चन के अंदर से ही लेंगे हम, दा के टी को कैपिटल करके, द होली कुरान डिस्क्राइब के साथ एस का इजाफा करेंगे, द होली कुरान डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दीज वर्ड्स। आगे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और वो जो वर्ड्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास पुट करेंगे। कम टू टेक्स्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। तो वेरी लास्ट पैराग्राफ नंबर 8 है। पैराग्राफ नंबर 8 की लास्ट वाली 2 और 3 लाइन से लेंगे, ये देखें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है इंडीड, यहाँ से लेंगे आंसर। हमने शुरू कर लिए वहाँ से, अब उसका जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमास वाला वो यहाँ से लेंगे, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जांपल टू फॉलो फॉर हिम हु होप्स for meeting with Allah and the last day and remembers Allah much। यहाँ तक जो हमारा आंसर है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हमने किए और जो रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1 वी हैव डन ऑलरेडी। आंसर क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम अगला यूनिट शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।